जूनागढ़ तहसील से इस बार कुछ मुनाफा हुआ या नहीं कि इस बार भी ये क्या रंडाप मचा रखा है यार साहेब। इस लड़के को 100 दफे समझाएं, आज भी हमारी आग के नीचे से बिस्कुट चुरा रहा था साला, घर पकड़ के ले आज आपके पास। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, देख आन के नीचे। अब बताता हूँ तुझे साले। बच्चे के ऊपर हाथ उठाने में शर्म नहीं आती पंडित? और चूड़िया पहन ले हाथों में, मेरे खिलाफ आवाज उठाता है। भूल गया वो दिन जब ना मुंह में दाना था ना लोटे में पानी, तब तेरी माँ यही गिड़गिड़ाया करती थी, मेरे यहाँ तेरी ये नौकरी तेरे बाप के कर्जों का सबूत है। वो कर्जा मैंने कब का चुका दिया है ठाकुर? झूठा सबूत कितना भी मजबूत हो झूठा ही होता है। तब वक्त कोई और था, आज कुछ और। काल भार करो इसे, ये ले अपने पैसे। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता ठाकुर। रख अपने ये पैसे और सवार ले अपनी। कोठी चिंटू क्यों करते रहता है इतनी बदमाशी? हाँ मुझसे पैसे ले जाता। अरे भैया चूरा के खाने में जो मजा है वो खरीद के खाने में का? यार तुझे समझाना जैसे ओखली में सिर डालने के बराबर है। हाँ निकाल दिया ना ठाकुर ने हमें। भैया पर पूजा दीदी चुप क्यों खड़ी थी? वो तो आपको पसंद करते ना, तो कुछ कहा क्यों नहीं? पूजा मजबूर है वो बेचारी, ठाकुर के पिंजरे में कैद बुलबुल की तरह। ठाकुर के सामने बोलना तो दूर, वो उससे अकेले में मिलने से भी घबराती है यार। ये जिंदगी पूजा बिना, ये जिंदगी राहुल बिना। आ ही गई दीदी यहाँ। यहाँ तुम ना आना, पूजा तुम ना आना, ठाकुर ने देखा तो मारी कताना। मुझे ना है परवा, मुझे तो है आना, उस पिंजरे से मुझे उड़ जाना। ठाकुर की छोरी, दो कौड़ी का छोकरा, ये अफसाना देखे जमाना। ले चल तू मुझे कहीं दूर कहीं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ ठाकुर भी ना हो पिंजरा भी ना हो, बस चिंटू तुम और मैं फले। नहीं नहीं तुम चली जाओ, खतरे यहाँ है। बचाओगे ना, बस वेट करो थोड़ी देर। ये जिंदगी सवरने वाली, चिपके खड़े थे, अगर सेंसर भी देख लेता ना कैंची चलाने पे मजबूर हो जाता। बीच बाजार हमारी पगड़ी उछाल के मिल गई खुशी तुझे? करवा ही मुकाला। बाबूजी बाबूजी मुझे राहुल के पास जाने। राहुल 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 मर गया वास्ते हमारे लिए,
मैं कल ही रामगढ़ जाकर इसका रिश्ता पक्का करके आता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी बाबूजी। ले जाओ इसे, क्या देख रहे हो? बाबूजी मुझे राम के पास जाना है। बाबूजी, बाबूजी। आज तुम होती तो मुझे समझती। बाबूजी के इस पत्थर दिल को प्यार का मतलब सिर्फ तुम्हें समझा सकती थी माँ, सिर्फ तुम्हें समझा सकती थी। चलो आखिर नया काम मिल ही गया तुम्हें। अच्छा है, अच्छा है, इसी बहाने ठाकुर के चंगुल से तो बचे। वैसे भी बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। पुराना काम छोड़ने से पुराने दुश्मन नहीं छूटते पंडित। बहुत गुलछर्रे उड़ा रहे हो बेटे, ये ना सोचना कि किसी को पता ना चलेगा, कहीं महंगा ना पड़ जाए तुम्हें ये सौदा। मेरी प्रिय राहुल, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हो, पर मेरी मजबूरी ये कि मेरे बाबूजी मेरा ब्याह रामगढ़ के सरपंच के बेटे से करवा देना चाहते हैं, पर मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। अगर बाबूजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। तो मैंने भी तय कर लिया है, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। कल तुम मुझे दोपहर में पुराने वाले मंदिर के रास्ते पे मिलना, वहीं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हमेशा के लिए तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी पूजा। चिंटू एक काम कर, रेलवे स्टेशन जा और कलकत्ते के 3 टिकट ले आ, ठीक है? और पुराने वाले मंदिर के पास में मिल, जल्दी जा, जल्दी जल्दी। पूजा इंटू
ये चिंटू उठ, चिंटू 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 ये चिंटू उठ जाए, चिंटू उठ जाए, उठ जा चिंटू, उठ जा चिंटू। भैया दीदी को बचा तो। चार दिन का शूटिंग में इतना ही मिलेगा, और ड्रामा मांगता है तो 30 दिन का शूटिंग लगेगा। चलाइए बाबूजी, आज चलाइए गोली, बस इतना याद रखना आपकी ये गोली राहुल को छूने से पहले मेरे सीने को चीरती हुई जाएगी। हाँ भाई हो गया। अक्षिता अम्ब्रेला। ये लाइट रिफ्लेक्शन आया थोड़ा हो रहा था। लाइट हटा, आ गया आ गया, आ जाओ भाई सब पे, आ जाओ सब पे, आ जाओ। चलो चलो चलो, टेक योर पोजीशन। आओ शिवाजी आ जाओ, आ जाओ इधर। चिंटू भी बिग स्माइल दिख रहा है भाई, बिग स्माइल। 1 2 3 Thank you.